हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड की एक्टिविटी नंबर 6 करने वाले हैं। ओरिगामी की एक्टिविटी है, स्वयं करके दिखाया हुआ है। तो ये आपके इसमें पेज दिया हुआ है, मैंने इसे निकाला है। अभी इसके बाद इसका ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसे हमें स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये पेज है तो ये पेज यहाँ से फोल्ड करके ऐसे करना है, और ये जो फोल्ड यहाँ तक आया है वहाँ तक ही कट करना है ऐसे। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, ये फोल्ड ऐसे किया कॉर्नर से और यहाँ पे ऐसे, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो अब ये हमारा स्क्वायर बन गया। अभी इसके बाद ये पहले ऐसे रखा था, इसे ऐसे फोल्ड किया, पहला फोल्ड। ये अब बहुत इजी है, आपको देख के भी समझ आ जाएगा। इसके बाद इसे ये कॉर्नर पे ठीक से पकड़ो और ये यहां से फोल्ड करना है और ये आधे से ज्यादा। ये एक फोल्ड हो गया। दूसरा उसी वही पे देख लो, थोड़ा फास्ट हो रहा है तो इतना अच्छे से नहीं आएगा। यहाँ पे एक ही इसमें आना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा फोल्ड हो गया। मैंने क्या किया था, यहाँ से एक फोल्ड ऐसे ऊपर, ये इससे ऊपर गया है, फिर दूसरा यहाँ से ऐसे नीचे। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे दिखाया है कि ऐसे रहता है करके, पता नहीं पर। ठीक है, इसके बाद ये ऐसे हुआ तो ये अभी पीछे से ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, ये ऐसे सीधा दिखना चाहिए। हमने ऐसे किया था, यहाँ से खाली मैंने ऐसे पीछे फोल्ड किया इसको, ये ऐसे हो गया। ठीक है, और इसके बाद इसका ये फेस का शेप दिखा रहा। ओके, हो गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ब्लू पेपर आया है इसलिए ऐसे दिख रहा है। आप थोड़ा फोल्ड अच्छे से करो, अच्छा दिखेगा। ये ऐसे करके हो गया है आपका। अभी बस इतना ही फोल्ड है, इतना इजी है। ये होने के बाद आपको आपका जो पेज है दिया हुआ उस पे ही उसे ऐसे दो जगह पे ग्लू लगा दो और आपकी एक्टिविटी आप इस पे ही चिपका के रखोगे। ठीक है, ऐसे एक्टिविटी करके आप इसे ग्लू लगा के यहाँ पे चिपका दो और एक्टिविटी कंप्लीट करो। ठीक है।